ठीक है सर, थैंक यू भाई। देखना व्यू, ये अपने मोंटी भाई विद राहुल भाई, चलें भाई। ये ड्राइवर है भाई, अपना सामान रख रहे हैं, फॉर्च्यूनर में सामान रख लिया है, और संदीप भाई हैं। अब सुबह के भाई अप्रोक्स 10 बज गए हैं, 10 बजे निकल रहे हैं भाई। अब सीधा गाड़ी को जो रोकेंगे, सीधा मनाली रोकेंगे। आज व्यू मतलब अलग ही आएगा, आज नज़ारा बिल्कुल अलग ही देखने के लिए मिलेगा भाई। कल तो सारी जर्नी रात में की, तो व्यू वगैरह भी नहीं मिला। मैं आपको एक बार रूम के अंदर से व्यू दिखा देता हूँ भाई। अब देख लो भाई, अब देख लो, ये है अपने होटल से व्यू। ये यहाँ पीछे एक लेक भी है, ये री ये लेक साइड व्यू आ रहा है। और ये भाई अपनी बंदे खड़े हैं, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, और यहाँ अपना रूम था, ये इससे व्यू था। इधर पहाड़ी है भाई, काफ़ी ज़्यादा स्मोक सा हो रखा है, इधर फोग हो रखा है, और ये रिवर है, और ये अपने भाई, चले भाई शानू भाई, हेलो। ये है भाई रोड, ऊपर या नीचे, नीचे से जाके फिर यू टर्न लेके इस रोड से हम लोगों को सीधा मनाली के निकलना है। 4 घंटे अप्रोक्स लगेंगे हमको अभी यहाँ से पहुँचने के लिए। तो अब अपनी ट्रिप को स्टार्ट करते हैं, जर्नी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और चलते हैं भाई गाड़ियों को लेके, देखते हैं भाई। अभी तो फॉर्चुनर को भी स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्ट तो हो जाएगी, स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखेंगे भाई क्या सेल्फ वगैरह कुछ गाड़ी लंबा लेती है, बड़ा लेती है नहीं, या वही नॉर्मली वे में स्टार्ट होगी। तो चलते हैं भाई अपना स्टेयरिंग वे सीधा, 1 2 3 भाई, बिल्कुल वही नॉर्मल, क्योंकि अभी हम ज़्यादा भाई टेम्परेचर में भी नहीं आए। अभी शो कर भाई 15 डिग्री टेम्परेचर शो हो रहा है अभी भाई, ऐसे माइनस डिग्री में जाने के बाद ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी तो ये नॉर्मली टेम्परेचर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं है अभी फ़िलहाल। तो भाई गाड़ी तो नॉर्मली स्टार्ट हो गई है, अब कुछ टाइम इसको स्टार्ट खड़ी रखेंगे, थोड़ा इंजन भी वार्म अप कर लेगा अपना, फिर ट्रिप को स्टार्ट करेंगे। विशु भाई कितना लंबा सफर मान के चला, 5 घंटे और चलानी है सीधा मनाली रुकेंगे, मनाली से। हाँ भाई, भाई रास्ते में चाय पराठा। ये है भाई अपना बिलासपुर, है ना, ये भाई एक रिलायंस का पेट्रोल पंप आया है। अब यहाँ पे ना दरअसल क्या है कि हमने ना एक तेल का कुआ साथ ले रखा है, क्यों आंटी भाई ऐसे ही है ना, दो का एवरेज दे दी भाई, वो फोर्ड मस्टैंग ले रखी है, ये मानो मस्टैंग का और राहुल की ड्राइवर का बराबर एवरेज आ रहा है। बोल रहे हैं कि जो टैंक फुल कराया था वो भाई खाली हो गया है, लास्ट सेल है उस गाड़ी के अंदर। अब चलते हैं, वो रे राहुल भाई, भाई वहाँ है लास्ट में, अगर आपको देख भाई चलते हैं, देखते हैं कितना फ्यूल उसके अंदर आएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि क्या माइलेज दिया है ड्राइवर भाई रिलायंस का। लेकिन पेट्रोल पंप अच्छा लग रहा है ना, रिलायंस के ज्यादातर ऐसे होते हैं भाई, बढ़िया लग रहा है, व्यू अच्छा आ रहा है। राहुल भाई ये मस्टैंग ले रखी है क्या आपने गाड़ी? ना भाई। कितना एवरेज दे रही होगी इस हिसाब से? बस 30 लीटर तेल आया इसमें। अच्छा इसकी, हाँ भाई फ्यूल टैंक भी छोटा है इसका। मतलब इसमें फ्यूल है अभी गाड़ी में, बच रहा है पेट्रोल? हाँ, ये तो कह रहे थे खत्म हो गया। दीपक भाई फोन पे दिखा, ठंडा बच रहा है ये, फिर गांव के लोग आओगे कहीं ना मिले तो। अच्छा 2 सेल है इसके अंदर अभी, है भाई इसके अंदर तेल है, तो माइलेज तो चेक हो जाएगा। ट्रिप तो 0 कर ली थी जब गाड़ी फुल कराई थी टैंक, हाँ तो इसको फुल करा लो दीपक भाई, है ना। फिर हाँ स्कॉर्पियो भाई, इंजन बड़ा हो जाता है, पहाड़ वाली जगह आ गई ना, अगर ऑन द हाईवे होते तो फिर हाँ ये अच्छा होती भाई। लेकिन पेट्रोल पंप देखो भाई कितना बेहतरीन है, ये देखो व्यू देख लो भाई व्यू,
बहुत ही बढ़िया पेट्रोल पंप लगा मेरे को ये रिलायंस का, फुल करा लेते हैं भाई फ्यूल टैंक को, फिर उसके बाद माइलेज टेस्ट करेंगे, पता चलेगा कितना माइलेज भाई अपनी ये ड्राइवर दे रही है। भाई टैंक फुल कराएंगे ड्राइवर का और फर्स्ट कट पे रोक देंगे, उससे माइलेज टेस्ट भी पता चल जाएगा। मतलब फर्स्ट पहला जो टैंक फुल कराया था उसमें 378 किलोमीटर ये गाड़ी चली है, अब देखते हैं भाई कितना फ्यूल आता है, क्या माइलेज देगा। वो तो भाई मैं एक मजाक कर रहा था कि मस्टैंग जितना एवरेज दे रही है, भाई ऐसा नहीं है कि बहुत खराब एवरेज दे रही होगी, मतलब ओवरऑल मेरे को लग रहा है 13-14 के आसपास इसका एवरेज निकल के आ जाएगा ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि भाई अब लास्ट काफ़ी टाइम से हम इसको ना पहाड़ों पे भी ड्राइव कर रहे हैं, तो देखते हैं भाई कितना फ्यूल आता है, फिर उससे माइलेज टेस्ट हो जाएगा एक बार। भाई जो फ्यूल आया है 26.75 आया है इसके अंदर, इसको भाई ये भाई करा रहे हैं 2700 का करा लेंगे इसको पूरा 26.75 करना भाई डिवाइड एक बार। हाँ तू कर ले चल, भाई ने वो लगा रखे हैं सारे लोग, खोलना इसको। कितने किलोमीटर चली थी ये 378 मोबाइल नंबर देना 378 डिवाइड बाई 26.75 था 14 का रहा है। कितने किलोमीटर चली थी गाड़ी 300 गलत कर लिया तुमने 378 भाई, नहीं भाई ये ना 26.75 था इसमें फ्यूल जब ये कट लग गया था फर्स्ट कट, पहले भी जब भी ऐसे कराया था भी। फर्स्ट कट से ऊपर कराया था, इतना ही ऊपर कराया था, इतना अब कराया है। तो कितना माइलेज आया उसमें 13.6 का आ रहा है, मतलब 13.5 का एवरेज दे रही है भाई, वही मैं कह रहा था 13-14 का निकल के आएगा तो कोई दिक्कत भाई 18 तो कंपनी क्लेम नहीं कर रही इसका तो वो ये 13-14 दे देती है, 13-14 तो भाई 13.5 का एवरेज दिया है अपनी राहुल भाई की ड्राइवर ने। एक बार फॉर्चूनर का और चेक करा के देखेंगे क्या निकल के आता है। भाई ड्राइवर जल्दी है, फॉर्चूनर भी चलते हैं लेके, भाई काफी दूर है अभी डेस्टिनेशन अपनी, 100 अबव किलोमीटर रह गया भाई, काफी टाइम लग गया डीजल पेट्रोल फिल कराने में ड्राइवर में। भाई 13.5 का एवरेज आया यार मोंटी, अरे भाई बहुत कम कहा है, 3 सिलेंडर के हिसाब से ना पहाड़ी है जैसे भाई, हाँ 3 सिलेंडर पेट्रोल गाड़ी के लिए तो भाई बहुत है 13.64 का। तो भाई ड्राइवर के जो भाई ओनर हैं या जो लेने की सोच रहे हैं भाई बता देता हूँ, ओवरऑल जो माइलेज निकल के आ रहा है भाई 13.5 का ड्राइवर का निकल के आ रहा है, तो ये अप्रोक्स इतना ही माइलेज देती है। हाईवे पे हम लोगों ने कितना 15 तक का लिया हुआ है उससे ना, नहीं 16 तक पहुंच गई, 16 भी पहुंच गई थी भाई। अगर हाईवे पे आप उसको ड्राइव करेंगे और नॉर्मली वो 80-85 तो वो 16 तक माइलेज ड्राइवर दे देती है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है किस कंडीशन में आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और कैसे ड्राइव कर रहे हैं, तो उससे माइलेज में डिफरेंस आ जाता है। अपनी गाड़ी की भाई एयर वगैरह चेक कर लिया ठीक थी, तो अब चलते हैं भाई सीधा मनाली। भाई सुंदरनगर फाइनली पहुंच गए हैं, मुस्कराइए आप सुंदर नगर में भाई, मुस्कुराओ भाई, सब मुस्कुराओ, हंसो हंस के दिखाओ भाई, प्रशांत भाई मुस्कुरा दो, इतना बुरा मुंह बना रहा भाई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव की तैयारी करते हुए भाई लेफ्ट ही था भाई, यहाँ से लेफ्ट लिया है हमने मनाली के लिए, नेता हर कोई कहता, हर कोई कहता। ये भाई सुंदर नगर देख लो, सच में सुंदर तो लग रहा है यार, नगर परिषद भी है सुंदर नगर का ये। अतिक्रमण हट रहा है भाई देख लो, जेसीबी चल रही है भाई, सामान वामान सब उड़ा दिया, ये जो अतिक्रमण वाले हैं भाई ये कर रहे हैं दुकानें खाली, सब अपना सामान हटा रहे हैं भाई, रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है। सो भाई टाइम हो गया है 12:15, अब एक पंजाबी तड़का फूड पॉइंट है भाई, यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट क्या करेंगे सीधा लंच ही करेंगे, क्योंकि 12 से ऊपर का टाइम हो गया है, यहाँ से लंच करेंगे और फिर निकलेंगे भाई अपने मनाली के। ये भाई ये अपनी ड्राइवर, ये भाई अपनी फॉर्चूनर, अप्रोक्स 90 किलोमीटर यहाँ से रह गया है मनाली,
व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ, कुछ खाते पीते हैं भाई, भूख लग रही थी सुबह से, एक्चुअली कुछ खाया भी नहीं था। 12:30 का टाइम हो रहा है, खाते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। टाइम हो गया है 1:00, लंच हो गया है अपना, अब गाड़ी मैं ड्राइव करूँगा और नीशू पीछे जा रहा है। पहले वो ड्राइव कर रहा था तो मैं वीडियो बना रहा था, अब मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा, वो पीछे चला गया। अब निकलते हैं भाई पंजाबी तड़का से, 1:10 हो गया है, अप्रोक्स 3:30 का टाइम दिखा रहा है मनाली तक पहुँचने का। चलते हैं यहाँ से भाई, 2.5 घंटे अप्रोक्स लग जाएंगे यहाँ से पहुँचने में। देखते हैं भाई, प्रशांत चोर को देख लो ये भाई, सिर्फ होटल पे रेस्टोरेंट पे खाना खाने इन्हीं चीज़ों के लिए जाता है। ये ना मिस्री जो होती है, सोप जो होती है, उसका बहुत लगा हुआ है, मीठे का बहुत लगा हुआ है भाई। हाँ, टूटा हुआ ये पहाड़ जो है, ये स्किट होके नीचे आ गया, और ये इधर नीचे रिवर है, और ये अपना भाई देख लो पहाड़ वगैरह ऊपर से, अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है इसमें, ये देख लो क्या हाल हो गया ऊपर से नीचे आके। मतलब भाई चेंज कितनी हो गई सड़क है ना, नीचे से और ऊपर का डबल 4 लाइन हो गई है। व्यू देखो भाई यहाँ से कितना ऊंचा है, नीचे नदी कितनी नीचे है, व्यू एकदम जबरदस्त। स्किट छाए एक बार इस कार के, ड्रैग रेस की, हाँ दोबारा बढ़िया वाली पोलो होनी चाहिए भाई, अगर किसी के पास बढ़िया सी पोलो हो ना, पेट्रोल या डीजल, यही वाली है जो आगे जा रही है। हाँ। ये भी वैसे पुरानी होगी, लेटेस्ट वाली हो तो बताना भाई किसी के पास, दम भर देगी तुम। ये भाई नया टनल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब ये बन जाएगी ना नई टनल तो बहुत इजी हो जाएगा मनाली पहुंचना और लेह वगैरह जाना लोगों को। भाई इसके अंदर को चले थोड़ा सा भाई, अंदर को रास्ता होगा तभी तो जाएंगे, लेकिन ये टनल बन रही है, बहुत शॉर्ट हो जाएगा और रास्ता भी अच्छा हो जाएगा। फिलहाल तो हमें इसी रोड से जाना पड़ेगा जो बड़ी खतरनाक सी है भाई, देखना यार। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, जो गाड़ी रोज ड्राइव करते हैं भाई, बहुत ही जब खतरनाक ड्राइव करते हैं, ऐसे कटवट मार के निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये देख लो भाई, इन्नी तो सोनी नहीं जिन्ना तो गुमान कर दी, इन्ना भी ऐसी माड़े नहीं जिन्ना तो बदनाम कर दी। क्या बात है भाई, पंजाबी चल रहे। ये है भाई वो टनल जो बन रही थी, मैं दिखा रहा था वहां से यहाँ तक, ये निकल जाएगी तो बहुत ही इजी। ये देखो इधर से पानी भी आ रहा है ऊपर से, पूरा चक्कर कम हो जाएगा। ये है वो टनल वाला रास्ता भाई, कितने ऊपर हाइट पे बन रही है, है ना, कई साल हो गए कंस्ट्रक्शन चलते हुए। भाई क्या व्यू आ रहा है, एक नंबर भाई, लेकिन गंदगी बहुत ज्यादा है। हाँ भाई ये तो है भाई, ऊंचा नीचा हो रहा है, हिल रहा हूं मैं तो। चक्कर से कैसे आ रहे हैं विशु भाई, भाई गाड़ी से लग रहा है जैसे ऊंचे नीचे पे खड़े हो, सच में ऐसा लग रहा है भाई। व्यू देखो तू, वो देखो भाई, अब मनाली आ गए हैं, लेकिन वेदर और टेम्परेचर कुछ अलग नहीं, मतलब 14 डिग्री टेम्परेचर शो हो रहा है आउटसाइड का। तो भाई कैसे करोगे, मनाली रुकोगे या आगे चल रहे हो भाई? बर्फ में बाढ़ तो चल, कैसे मतलब बर्फ में ही जाना भाई, बिल्कुल। तो इसे फिर आगे चल रहे हैं ना, अटल टनल की तरफ चल रहे हैं, शिशु वगैरह देख, शिशु वगैरह या अटल टनल चलेंगे, तो अंदर जाओ तो मनाली वो चौक आ जाएगा, पुल चक्कर तो बार बार जाना भाई, यहाँ जी ना लग रहा मेरा तो बिल्कुल। उनका देखा जाता है पहाड़ों का सा ना। अब एक बार भाई डिसाइड कर लेते हैं ड्राइवर वालों से कि भाई कैसे करनी है,
अटल टनल चलेंगे या मनाली में ही रुकेंगे। भाई मेरे को तो वैसे यहाँ कुछ वेदर वगैरह है कुछ ऐसे लग नहीं रहा, क्योंकि टेम्परेचर में कुछ मजा थोड़ी आ रहा है, 14 डिग्री आ रहा है, वैसे भी कोई ठंड है लेकिन वो वेदर नहीं है, बर्फ बर्फ वाला नहीं है, तोड़ने वाली ठंड नहीं है। हाँ, और भाई जब यहाँ तक आए तो एटलीस्ट बर्फ तक तो जाएंगे ही ना, है ना, तो एक बार बात कर लो इनसे, डिसाइड कर लो, फिर देखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे बाद में। तो भाई ये है अपना मनाली, जिसका वेदर भाई पसंद नहीं आया। जगह तो ठीक है लेकिन भाई बर्फ बर्फ वगैरह तो है नहीं, क्योंकि हम एटलीस्ट, क्योंकि एक्चुअली हम नवंबर में आए हैं, दिसंबर होता तो सब कुछ देखने के लिए मिलता। तो अब हम अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट कर रहे हैं। हम देखो ये जो सामने बर्फ दिख रही है ना भाई, ये वाली, इस पे जाना है हम लोगों को, ये जहाँ भी मिलेगी। तो अब यहाँ से मनाली से निकल रहे हैं भाई अटल टनल की तरफ, यहाँ से सीधा अटल टनल जाएंगे, सिया सोलांग वैली जाएंगे, फिर वहाँ जाके आएगा वेदर जैसा हम लोग चाह रहे हैं। तो एक बार वहाँ पहुँचते हैं, फिर देखते हैं भाई क्या सीन होता है। भाई चलो भाई अटल टनल की तरफ चलते हैं, अटल टनल पे मिलेंगे। भाई आखिरकार इतना ढूंढने के बाद बर्फ मिल गई है, देख लो भाई ये लग रही है, मतलब बहुत ही लिमिटेड मिल रही है अभी, लेकिन हाँ भाई रोड पे हमें देखने के लिए आखिरकार 2 दिन गाड़ी ड्राइव करने के बाद आखिर हमें बर्फ देखने के लिए मिल गई है। भाई अब हम सोलांग पहुंच गए हैं, ये सोलांग है, यहाँ पे यहाँ से बर्फ दिखनी स्टार्ट हो गई है अभी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना और ज्यादा, स्टार्टिंग है ना अभी तो, हाँ अभी स्टार्टिंग है ना भाई, रेंज रोवर जा रही है, बहुत कम देखने के लिए मिलती है ऐसी गाड़ियाँ। देखो भाई ये बर्फ, रेंज रोवर, ओडी, बीएमडब्ल्यू, सिर्फ एक एक देखी है, एक ऑडी देखी थी Q7, एक GLS देखी, व्हाइट कलर गई थी, और एक ये भाई इवोक है, ऑल्टो का दबदबा, ऑल्टो का भाई, ये ऑल्टो 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 वन एंड ओनली ऑल्टो ऑल्टो MH14 मुंबई से भी आया है क्या भाई कोई घूमने के लिए भाई, ये देखो वसूल हो गया भाई, आना वसूल हो गया भाई, बर्फ दिख गई फाइनली। प्रशांत ने एक बात बोल ली थी पीछे, क्या भाई, वाइन शॉप की दुकान, अच्छा वाइन शॉप, भाई हमारा क्या लेना देना वाइन शॉप, स्कूटर से बचाओ भाई, ये देखो हैवी ड्राइवर तो ये है, ये राहुल से भी ऊपर है भाई, वो हो गया खड़ा। पैराग्लाइडिंग चल रही है सोलांग वैली में भाई, ट्रैफिक मनाली से ज्यादा भीड़ और ज्यादा अच्छी जगह भाई ये है सोलांग, यहाँ पे है नहीं ना है, बर्फ वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, है जो भी कुछ है। ये देखो भाई हैवी ड्राइवर पे ड्राइव, भाई मैं राहुल तो इस पर बैठे हैं भाई, घोड़े पर, बिल्कुल भाई घोड़ा हॉर्स चर, भाई सोलांग वैली को से आगे निकल के आगे व्यू देख लो भाई एक बार इधर, क्या जबरदस्त व्यू भाई, यहाँ ना व्यू के ही पैसे हैं, जो भी कुछ है सिर्फ व्यू ही है, मतलब जो भी आ रहा है भाई सिर्फ व्यू देखने के लिए आओ भाई। ये बर्फ जगह जगह इकट्ठी हो रखी है थोड़ी थोड़ी भाई, टेम्परेचर की अगर बात करें 9 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया भाई, कहाँ 15 था कहाँ 9 पहुँच गया, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना वैसे ही टेम्परेचर भाई डाउन होता जा रहा है। अब अटल टनल तक तो जाएंगे भाई, देखेंगे भाई अटल टनल पहुँचते हैं या नहीं। सोलांग वैली पार कर लिया है, काफ़ी भीड़ थी भाई वहाँ दिखाया था पहले, अब भाई यहाँ पे भी फिलहाल कुछ नहीं है, व्यू चेंज हो गया है, जब घूम के आएंगे उधर से फिर व्यू चेंज हो जाएगा। तो अब टेम्परेचर भी गिर गया, टेम्परेचर 9 हो गया भाई, मैंने बता दिया 15 से 9 डिग्री पर, हर चक्कर पे 1 डिग्री टेम्परेचर घट रहा एक पहाड़ चढ़ने पर 1 डिग्री टेम्परेचर नीचे जा रहा है, ये देख लो भाई फिर आ गया, जब इधर आ गए तो फिर से व्यू चेंज हो गया है। चले भाई चले, चलो भाई पेल दो कभी कुछ भाई, दूंडी ब्रिज आ गया, ये है दूंडी ब्रिज, यहाँ से अटल टनल सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर रह गया है, 5 से 7 मिनट में अटल टनल पहुंच जाएंगे, फिर भाई अटल टनल का व्यू देखेंगे चल के क्या है भाई। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ मैं अटल टनल, सोलांग वैली तक मैं लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था, उससे आगे नहीं किया, तो हम भी पहली बार ये अटल टनल चल के देखते हैं क्या व्यू आएगा। पर भाई बहुत मतलब अच्छी, बहुत खूबसूरत जगह है भाई, है मजा आ गया सच में। ऋषभ भाई जैसे आप पहले आए हुए हो तो आप बर्फ के टाइम में आए थे या वैसे ही? बर्फ के टाइम पे आए थे भाई, बर्फ थी तब बहुत ज्यादा। तो
आप अटल टनल पहुंच गए हैं भाई, जिसका इंतजार कर रहे थे तब से कि अटल टनल आएगा, अटल टनल आएगा। 0 किलोमीटर आ गया है, अटल टनल पे आ गया भाई। टेम्परेचर पहुंच गया 5 डिग्री भाई। इतनी ज्यादा ठंड लग रही है ना बाहर, इतनी जबरदस्त, मतलब बस पूछो मत ना बिल्कुल भी। और भाई इससे पहले ना शायद हमारी गाड़ियों की चेकिंग भी होनी है अभी अटल टनल से पहले, तो भाई देखते हैं एक बार। रोकेंगे भाई, हो गए वो भाई एक्टिव। तो भाई गाड़ी की चेकिंग करा लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। नो सर, कोई भी फ्लेमेबल आइटम? नो 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 नो, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक सर, सेम ही है सर, हाँ साथ में। चलो चलते हैं ना फिर भाई। तो भाई गाड़ी चेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिया है कि ओवरटेक नहीं करना है और स्टॉपिंग नहीं करनी है। तो अब चलते हैं अटल टनल भाई, देख लो आप, ये है भाई एंट्री अटल टनल रोहतांग पास। चलो भाई, चलो भाई चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई बैग लगा लो प्लीज। तो भाई चेकिंग हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड लगा है भाई चेक करने में। ये अटल टनल पे फाइनली पहुंच गए हैं भाई, बोला है कोई स्टॉपेज नहीं करना है और ओवरटेक नहीं करना है। अब चलते हैं भाई, फर्स्ट टाइम अपना अटल टनल के अंदर। फर्स्ट व्यू भाई कैसा लग रहा है? भाई एक नंबर भाई, अटल टनल वसूल भाई, 40 किलोमीटर की स्पीड है, देख लो भाई अब अटल टनल। आग लगा दी भाई, ग्रीन लाइट, ऐसा होना चाहिए भाई। क्या जबरदस्त व्यू है भाई, ये है सिली टनल भाई। आवाज कैसी है ये? पता नहीं भाई, हो सकता है भाई इसी के अंदर गाड़ियों की साउंड आ रही हो। गाड़ियां जो आ जाए, मेरे हाथ जम गए भाई। क्या हो गया भाई? नीचे भाई 6 डिग्री टेम्परेचर आ गया, 15 डिग्री से, कहां 15 डिग्री से स्टार्ट किया था और घटते घटते 6 डिग्री आ गया है। और भाई ये नॉर्थ टोटल 8.5 किलोमीटर लिख रहा है, क्या 8.5 किलोमीटर की टनल है? ना, मेरे को लग रहा है जैसे इतनी। चलो कोई नहीं, पता चल जाएगा भाई जितनी भी है। 8.5 वैसे बहुत होता है, लेकिन देख लो भाई अब 60 की स्पीड आ गई है अटल टनल पे। ड्राइवर बिल्कुल अपने पीछे चल रही है, 4 उसमें है 5 बंदे इसमें। ऋषभ भाई कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है भाई। भाई फुल जैकेट भाई, जैकेट भाई, भाई भाई ये 8 किलोमीटर ही है शायद, नहीं शु। अब पहले 8.5 किलोमीटर दिखा रहा था, अब 8 किलोमीटर दिखा रहा है। ये शायद 10 किलोमीटर का मैंने सुना था, 10-10.5 किलोमीटर की अटल टनल जो है। लेकिन भाई सच में ही बहुत जबरदस्त टनल है। चलो अब आगे चल के देखेंगे लास्ट में, बाहर निकलेंगे ना उससे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक, टनल कंप्लीट हो गया है पूरा, सिर्फ 200 मीटर रह गया है। ये देख लो अब भाई बाहर निकलेंगे अटल टनल से। ये देख लो भाई भीड़ कितनी है, फोटोशूट सब, फोटोशूट। ये देखो भाई व्यू, ये है जो सबसे ज़्यादा वायरल होता है रील्स में। लेकिन अभी इसमें क्या है कि अभी बर्फ ना या कम है। व्यू ये देखो भाई, राइट हैंड साइड वाला। अरे अरे अरे, गाड़ी पार्क करेंगे ही? हाँ? भाई उधर भी हो जाएगी घुमा के, मतलब ब्रिज पार करके दूसरी साइड। चलो उधर रोकेंगे तो भाई यहाँ, क्योंकि यहाँ तो सब फुल है, पार्किंग वार्किंग के लिए स्पेस कम है। ब्रिज के उधर जाके पार्क करेंगे भाई। रील बनी है, व्यू देख लो भाई चारों। इधर देखो भाई क्या जबरदस्त आ रहा है। हमें जाना है लेफ्ट लेह वाली साइड, लेह वाली साइड जाना है हमें लेफ्ट। जो है देखो, ये है भाई अपनी अटल टनल जिससे हम लोग निकल के आए हैं।
जबरदस्त आ रहा है भाई। सो भाई तो भाई फाइनली हम लोगों ने अटल टनल को पार कर लिया है। ये रहा भाई अपना अटल टनल और अब भाई हम लेह की तरफ वे में चल रहे हैं। भाई आप एक बार ये देख लो, गाड़ी भी भाई टेम्परेचर बताने लग गई है। कितना हो गया भाई, हो जा क्लियर 3 डिग्री आ गया है। और भाई उसके बराबर में ना स्नो का सिंबल आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई 3 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर इस टाइम है भाई अटल टनल पे। और आज है भाई डेट की अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये है भाई 21 नवम्बर 2022 और 21 नवंबर का दिन है भाई। ये लेक भी देख लो, इन रिवर जा रही है यहाँ से, रिवर देख लो। तो भाई इतनी ज़्यादा ठंड है, मैं सच बताऊँ मैं तो निकलने में भी मेरे को परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है बाहर। लेकिन फिर भी एक बार बाहर चल के अनलॉक कर लेते हैं भाई। एक बार देख लो भीड़ देख लो भाई, फोटो शूट का अलग ही यहाँ पे क्रेज होता है भाई। इतनी ठंडी हवा, ये देख लो भाई, भाई देखना व्यू। ये देख लो भाई व्यू, मुश्किल हालात सीमा सड़क संगठन देश के साथ, ये लिखा हुआ है। लेकिन भाई जो बात है ना, अलग ही व्यू है। पीछे देखो भाई, आपको धूप भी देखने के लिए मिल जाएगी, धूप है लेकिन भाई पता नहीं हम लोगों से कितनी दूर है। इतनी जबरदस्त ठंड लग रही है यहाँ, बस जिसका भाई कोई हिसाब नहीं है 3 डिग्री टेम्परेचर में। तो भाई अब चलते हैं अटल टनल से आगे, अब यहाँ से आगे चलेंगे, फिर देखते हैं भाई कहाँ पे जाके रुकना है, कहाँ करना है। भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल व्यू है, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। अब भाई अटल टनल से निकलने के बाद यहाँ पे कोई भाई स्लिप कटानी पड़ेगी। फॉर्चूनर की 300 रुपये की है, जो ड्राइवर की 200 रुपये, कितने की भाई? फॉर्चूनर की 300 रुपये की, और उसकी जो ड्राइवर की कटी है वो 200 रुपये की कटी है। अब चलते हैं भाई शिशु, और हम जाके आज शिशु रुकेंगे और नाइट स्टे भी अपना शिशु के अंदर लेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे भाई खेल रहे हैं बर्फ से, आ जा भाई अंदर आ जा भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। चलो अब चलते हैं भाई, ट्रिप को स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे। सो फाइनली भाई शाम के 6:30 बज गए हैं, अब हम शिशु में भाई ये होटल हम लोगों ने लिया है, तो जो होटल है भाई, लेकिन ये काफ़ी ऊपर है, ड्राइवर पीछे है भाई अपने, अड़ भी सकती है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। WR होटल एंड रेसोर्ट, रेस्टोरेंट है वैसे वो लिखा हुआ। तो भाई देखो कितनी ज्यादा चढ़ाई पे है ऊपर, ये भाई चलो चलो। फॉर्चुनर को तो कोई दिक्कत आनी नहीं है भाई, जो दिक्कत आएगी वो अपने राहुल भाई ड्राइवर से देखेंगे, ड्राइवर को क्या दिक्कत होती है क्या नहीं। ये है भाई अपना होटल, देख लो क्या बढ़िया व्यू है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। तो फाइनली होटल में आ गए हैं। ये है भाई फॉर्च्यूनर अपनी, ये ड्राइवर भाई, स्कॉर्पियो एन भी यहीं पे खड़ी है, एक बिग डैडी देख लो भाई। भाई बात करेंगे भाई ओनर से और सुबह ड्रैग करेंगे भाई स्कॉर्पियो एन वर्सेस टोयोटा फॉर्च्यूनर, देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी आगे निकलती है या क्या रिजल्ट आते हैं। दोनों मैनुअल हैं भाई, 6 स्पीड, ये भी 6 स्पीड मैनुअल है, वो भी 6 स्पीड मैनुअल है। 176 PS देती है, ये भी अप्रोक्स 172-175 के पास आसपास देती है PS। 400 Nm टॉर्क देती है, 420 Nm टॉर्क देती है, वैसे ही बता रहा हूँ मैं तो, नॉर्मल मैनुअल है। और ये अपना होटल है भाई, होटल काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। बाकी रूम में चल के आपको रूम वगैरह का व्यू दिखाऊंगा, एक बार फ्रंट से दिखा देता हूँ। ऋषभ भाई हमेशा फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, देख लो कोई भी टाइम हो इनकी कन्वर्सेशन चलती। राहुल भाई हमेशा वीडियो के आज सामने अड़ते हैं, कहीं भी बना रहे हो कभी भी। तो भाई ये है अपना होटल जिसमें हम रुक रहे हैं, तो अब चलते हैं भाई होटल के अंदर और देखते हैं भाई कैसा रूम है, क्या व्यू है रूम का। सो भाई फाइनली हम अब अपने रूम में आ गए हैं भाई, दो रूम एक साथ जॉइंट हैं। ये अपने राहुल भाई हैं, वन प्लस की LED पे भाई, वन प्लस में क्या देखेंगे भाई, रूम देख लो, ये व्यू है, लाइट्स भाई, फैन वगैरह AC वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक फेक व्लॉगर लग रहे हैं भाई, इंडिया छोड़ देंगे अभी 2 दिन में ही। और ये भाई अपना दूसरा रूम है, ऋषभ है, प्रशांत है, संदीप भाई हैं, और ये भाई हम हैं भाई। लाइट वाइट बहुत बढ़िया है, मतलब काफ़ी बढ़िया है, बाहर का व्यू भी अच्छा है, लेकिन जो बेस्ट निकल के आएगा व्यू वो सुबह दिखेगा हमें। तो अब भाई रात को एंजॉय करते हैं और फिर भाई कल सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में। अब भाई अपने डिनर की का प्रोग्राम करते हैं, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल।
हाँ भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक डाल देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शानू भाई ये मतलब हमेशा एक बंदा हमारे साथ ऐसा है, ये फोटो पोज में ही रहते हैं भाई, कि भाई फोटो सेशन हो जाए बस किसी भी तरीके से। ये हैं अपने शानू भाई। तो फाइनली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई, अब डिनर के लिए चलेंगे, फिर डिनर वगैरह लेके फिर मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह, व्लॉग को कल स्टार्ट करेंगे। तो भाई अब रात के टाइम बताऊं मैं आपको, तो भाई अब रात के 8 बज चुके हैं भाई, अपना डिनर वगैरह सब हो गया है। ये अपनी पार्किंग है भाई, और ये अपना होटल है जिसमें हम लोग रुके थे, और इधर भाई बोन फायर पार्टी चल रही है, बोन फायर को एंजॉय कर रहे हैं। क्लिप थोड़ा छोटा दिखाऊंगा भाई, ये कॉपीराइट क्लेम भी यूज़ करेंगे इसमें। देख लो भाई बोन फायर चल रही है इनकी, तो भाई अब लेट नाइट तक बोन फायर चलने वाली है अपनी, फिर उसके बाद भाई अपने रूम्स में चले जाएंगे। यही अपना सामने भाई रूम है, ये जो है। तो यही था भाई आज का अपना व्लॉग, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई। 8:09 हो गए हैं अभी, तो भाई इधर से व्यू नहीं दिख रहा, लेकिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगर देखेंगे तो अलग ही व्यू निकल के आएगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं भाई। और एक चीज़, ये जो VI वगैरह है ना भाई, यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलता है, यहाँ सिर्फ जियो और एयरटेल चल रहा है। अगर भाई कभी आप यहाँ घूमने के लिए आओ तो भाई जियो या एयरटेल का सिम लेके आना, VI को बिल्कुल नहीं लेके आना, यहाँ VI के सिग्नल नहीं है। वैसे तो भाई होटल में वाईफाई है, हमें वाईफाई मिला हुआ है, लेकिन भाई कॉलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है VI सिम वालों को, नो सर्विस आ रहा है। तो भाई मैं भी चल के थोड़ा सा बोन फायर को इन्जॉय करते हैं भाई, और फिर आपसे मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। कल मिलेंगे भाई अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर देखते हैं भाई कल डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, फिर कल निकलेंगे भाई दूसरी जगह के लिए, फिर आपको दूसरे व्लॉग में मिलते हैं। तो भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। और भाई एक चीज़ और जो लास्ट रह गई थी भाई, -9 डिग्री टेम्परेचर अभी तक जा चुका है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जो हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मतलब पानी तो इतना ठंडा है भाई, हाथ भी यूज़ मतलब हाथ में भी इस्तेमाल किया नहीं जा रहा, टच नहीं किया जा रहा है पानी को, इतना ज़्यादा चिल्ड वाटर है, और टेम्परेचर -9 डिग्री है। और सुबह अगर 8 बजे की बात करें, सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ पे भाई सुबह 7 या 8 बजे होगी, जिसमें -20 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाएगा। तो फिर उसके बाद, तो भाई ये था अपना आज का व्लॉग। तो भाई कल मिलेंगे मॉर्निंग में, फिर बताऊंगा आपको कितना टेम्परेचर रहा या भाई कैसे कितनी ठंड लगी यहाँ पे। भाई कॉपीराइट क्लेम ये ज़रूर लगवा देंगे, इनका म्यूज़िक रेगुलर बज रहा है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।